मैं एक लड़की हूँ। जब छोटी होती हूँ तो पापा की परी होती हूँ, तो कभी नवरात्रों में देवी स्वरूप कन्या, फिर पता नहीं क्यों बड़े होते होते मेरा स्वरूप बदल जाता है। मुझे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे जिम्मेदारी, पराया धन। क्या वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व है भी या नहीं? क्यों कई लोगों को हमारे पैदा होने पर खुशी नहीं होती है? क्यों कई बार हम पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है? क्या हम समाज का बोझ है? लोग क्यों भूल जाते हैं कि जिस लड़की के पैदा होने पे वो दुखी हो रहे हैं, उन्हीं से उनका निर्माण हुआ है? फिर क्यों लोग ढकोसले करते हैं नवरात्रों में, कन्याओं को अपने घर बुलाकर, उनकी पूजा कर उनके पैर धोकर? वही लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसे गलत नज़रों से देखा जाता है, उस पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं। अफसोस है, समाज के कुछ ऐसे ही लोगों के बीच हम जी रहे हैं। लड़की अगर बड़े होकर अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए कोई फैसला लेने जाती है तो उसे इसी समाज का हवाला दे के डरा दिया जाता है कि समाज क्या कहेगा। समाज को हम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, और यहाँ हर कोई अपनी फिलॉसफी लेके बैठा है और दूसरों पर थोपना भी जानता है। खासकर ये फिलॉसफी हम लड़कियों के लिए ही बनी है। काम करने के लिए बाहर जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, किसी के साथ भाग जाएगी, घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। ये इज्जत की सारी ठेकेदारी क्या हम लड़कियों ने ले रखी है? लड़के कुछ भी करें सब माफ, और अगर हम अपना भविष्य बनाना चाहें तो उस पर कई सवाल। ये किस तरह का पाखंड है इस समाज में? हम पूरे समाज को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उन माँ बाप से है कि जो अपनी बच्चियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं देते हैं, करियर चुनने की आज़ादी नहीं देते हैं, तो क्या उनकी वो लड़की आगे आने वाले भविष्य में सुरक्षित है? क्यों नहीं हम अपने भाइयों की तरह आज़ाद हैं, पढ़ने लिखने के लिए, करियर चुनने के लिए या अपना हमसफ़र चुनने के लिए? इस बात की क्या गारंटी है आप अपनी लड़की की शादी करवा दोगे और वो आत्मनिर्भर नहीं है, तो क्या वो ससुराल में अपने जीवन साथी के साथ सुरक्षित है? इस बात की क्या गारंटी है कि जिस लड़के को आपने पढ़ाया लिखाया, उसके सारे शौक पूरे करे, उसकी मर्जी से उसकी शादी करी, वो लड़का शादी के बाद अपने माँ बाप को अपने साथ रखेगा, वृद्धाश्रम नहीं जाने देगा? एक कटु सत्य बोलूं, शायद अजीब सा लगे, जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के खिलाफ ज़बरदस्ती कहीं करवा देते हैं, वो भी तब जब वो आत्मनिर्भर ना हो, तो वो अपनी उस बेटी को रोज़ रेप करवाने के लिए भेज रहे होते हैं और ख़ुद को बेबस बना रहे होते हैं। इसीलिए लड़कियों को बोझ या घर की इज्जत ना समझकर उसकी शक्तियों को समझे, उस पर विश्वास करें, उनको जीने दे, उनको पढ़ने दे, उनको उनकी कामयाबी में उनकी मदद करें और उनकी पसंद और नापसंद को समझें।